मैं हूँ आकाश। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिजिटल करेंसी के बारे में, और डिजिटल में हम कैसे पेमेंट करते हैं, तो इस बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादातर अब डिजिटल इंडिया में ज़्यादातर हम कुछ का पेमेंट करने के वक्त या कुछ भी ट्रांजेक्शन करने के बाद, हमारा पहला जो सिस्टम हुआ करता था, तो हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते थे, तब ऑफलाइन पेमेंट बट हैड कैश, इसके थ्रू हम पेमेंट करते थे। तो दोस्तों, वक्त बदलने के साथ साथ आज हम डिजिटल इंडिया में हैं, तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम आप कैसे पेमेंट करते हैं, तो ये बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि आज डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ हमें एक भी पैसा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कैरी के बिना ही हम आज पेमेंट कर सकते हैं। बस अब हमारा आधार कार्ड नंबर चाहिए, या तो हमारा अकाउंट नंबर, या फिर कार्ड जिसका नाम है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी आप बोल लीजिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या है, और ये कैसे वर्क करती है, और हमारे लिए कौन सा कार्ड बेस्ट है। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, तो पहले हम डेबिट कार्ड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड एक ऐसी कार्ड है जो आपकी अकाउंट के साथ लिंक होता है, और आपकी अकाउंट में जो पैसा कटती है, पैसा लेती है, वो आपको उसके थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? आप मान लीजिए कोई सामान खरीदने कोई मॉल पे गए हैं, तो वहाँ पे आपकी अकाउंट के साथ अपना डेबिट कार्ड लिंक होता है, तो आप डेबिट कार्ड स्वाइप करने के साथ साथ ही आपका अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, और वो जाता है वो सेलर की अकाउंट पर। तो दोस्तों, ये होता है डेबिट कार्ड का प्रोसेस। अब क्रेडिट कार्ड का क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आपकी बैलेंस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंथली एक लिमिट है जो बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप जब वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पैसे निकाल सकते हैं लिमिट के थ्रू, एटीएम कार्ड या फिर कोई शॉपिंग मॉल पे सामान परचेस कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको बैलेंस कट जाएगा, बट आपको वो पैसा मंथली एक पेमेंट के थ्रू आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो यही है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, डेबिट कार्ड के अंदर भी दो टाइप्स के कार्ड होते हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब करंट जो बात है तो वो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है, अब डेबिट कार्ड में आपको दो फैसिलिटीज मिलता है पहले में। फर्स्ट क्या होता है, मास्टर कार्ड, और दूसरा होता है वीसा कार्ड। तो दोस्तों, ये सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड और एक कार्ड है प्लेटिनम कार्ड। तो हम मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड के बारे में जानते हैं, क्योंकि लगभग हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग मास्टर या डेबिट कार्ड ही पहले इस्तेमाल करते थे। प्लेटिनम कार्ड तो बिजनेस टाइप कार्ड होता है, तो वो बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग उससे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जो मास्टर कार्ड है, तो मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड क्या है? तो मास्टर कार्ड क्या है कि ये सिस्टम हमारे इंडिया से पहले और एक कंट्री में चलता था, यूएस में शायद। तो क्या होता था कि तब बैंक में बहुत से ट्रांजैक्शन की वजह से आपको मास्टर कार्ड सर्विस प्रोवाइड किया था। तो उससे क्या होता है, आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एटीएम के आप मास्टर कार्ड घुसा, एटीएम के अंदर मास्टर कार्ड एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, और आपको जितनी पैसा चाहिए बैंक में होना चाहिए, बैंक में है, उतनी पैसा आप निकाल सकते हो, जितना आपको चाहिए बैंक में जितना है उससे कम ही निकाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, यही होता है मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड। तो अब मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड, लेकिन हमारे इंडिया में अब देखने को मिलता है कि रुपे कार्ड। ये रुपे कार्ड क्या है, वो हम आपको डिटेल्स में बाद में समझाते हैं। तो ये मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में अब हम जानेंगे कि इसका सर्विस क्या है, और ये कैसे काम करती है, और ये क्यों इंडिया में अब नहीं, ज़्यादातर नहीं चलता है, रुपे कार्ड क्यों चलता है। तो दोस्तों, मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड, वीसा कार्ड के बारे में हम बता देते हैं। तो मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड इंडिया की करेंसी में चलता है, बट उनके लिए और एक कंट्री है, और एक कंट्री वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हमें जो ट्रांजेक्शन करना पड़ता है उसका सर्विस कॉस्ट हमें और एक कंट्री में देना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमारे इंडिया की करेंसी को ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं होता, तो इंडिया की कोई प्रॉफिट नहीं रहता। तो इसीलिए हम जब पेमेंट करते हैं उनमें से 1 या 2% सर्विस टैक्स वो मास्टर कार्ड लेता है। तो मास्टर कार्ड क्या करता है, हम जब कोई सर्विस में स्कैन करते हैं या फिर कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी अकाउंट से लिंक हो रहा मास्टर कार्ड से पैसे कट के और एक कंट्री में चला जाता है। तो और एक कंट्री में जाने के बाद वो पैसा
जब उनकी सर्विस में आ जाता है तो वो पैसा करते हैं, एक दो दिन बाद उनका सर्विस चार्ज काट के वो पैसा आप जिसे देना चाहते थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि आपकी ही पैसा आप अपनी किसी को भेज रहे हैं तो वो आपको और एक कंट्री से भेज रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारी करेंसी में थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो इसके लिए हमारे इंडिया जो NPCI है तो वो हमारे लिए एक सर्विस प्रोवाइड किया था। तो वो लोग देखे थे कि हमारे इंडिया में अब ATM या ऑनलाइन पेमेंट जो भी है वो ज़्यादातर बढ़ रहा है, तो वो दूसरों को क्यों देंगे पैसा। तो इसीलिए हमारी इंडिया की NPCI ने रुपए कार्ड को सर्विस को प्रोवाइड किया है, जिससे वो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट में ज़्यादातर चार्ज नहीं लगती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, इसीलिए मार्केट में चल रहा है। तो रुपए कार्ड और मास्टर कार्ड में डिफरेंस क्या है, तो रुपए कार्ड इंडिया की सर्विस ही प्रोवाइड करता है। हालांकि रुपए कार्ड दो टाइप्स के हैं, रुपए और रुपए प्लेटिनम। जो रुपए प्लेटिनम है वो कुछ देश को ही सपोर्ट करते हैं, वो कुछ आउट ऑफ कंट्री में चल जाता है, लेकिन जो मास्टर कार्ड है वो ऑल इंडिया के बाहर भी चलता है बहुत सारे देश में। तो यही है डिफरेंस। तो दोस्तों रुपए कार्ड, तो NPCI के बारे में मैंने बताया, तो NPCI का फुल फॉर्म तो आप ना जान नहीं चाहते। तो NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया। यही है कि NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और इन इंडिया। तो यही है NPCI, जो पैसे की लेन देन के बारे में हमारी सब अकाउंट का डिटेल्स उनके पास रहता है। तो वो अपनी बैंक अकाउंट के साथ टाई अप करके, हायर सर्विस के साथ टाई अप करके वो आपको एक कार्ड प्रोवाइड करता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन उसका चार्ज भी बहुत कम होता है, इसलिए हमें वो सर्विस जल्दी से जल्दी मिल जाता है। और इसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट जो भी आप कीजिए तो उससे आपको अपनी पैसा अपने इंडिया में ही रहता है, आपको आउट ऑफ कंट्री में जाके कोई सर्विस टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, कोई सर्विस कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता है दूसरे कंट्री के लोग को। इसलिए हमारी इंडियन करेंसी को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, इसीलिए NPCI ने यह कार्ड लॉन्च किया था। तो दोस्तों रुपए कार्ड के बारे में हमने बताया, तो रुपए कार्ड ऑल इंडिया में सपोर्ट लेता है, तो हमने तो पहले ही बता दिया था। तो यही है जो आपका कार्ड का सिस्टम है क्या है। तब आप जानना चाहेंगे कि इंडिया में अब रुपए कार्ड ज़्यादा क्यों चलता है, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट कार्ड है। तो ये कार्ड आपको ज़्यादातर इंडिया की गवर्नमेंट ने हर बैंक्स को बोल दिया था कि अपनी सारे सिस्टम को यही कार्ड प्रोवाइड करें। तो इससे क्या होता है, हमारी भी कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड में आप जब लेना चाहते हैं तो उनमें मंथली या एनुअली एक सर्विस कॉस्ट चार्ज लेता है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री का है तो वो आपको रिन्यू कराने के लिए चार्ज लेता है। और फिर आपका कार्ड जब वैलिड अप टू हो जाता है तब आप अगर नया कार्ड लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सर्विस कॉस्ट देना पड़ता है, लेकिन रुपए कार्ड के लिए ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसीलिए रुपए कार्ड हमारे लिए बेस्ट है। अब ज़्यादातर करेंसी में रुपए कार्ड ही बेस्ट रहता है। अब आप जानना चाहते हैं कि रुपए कार्ड तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा अगर मास्टर कार्ड लेना चाहते तो आप ज़रूर ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिस्टम जो जिस बैंक से आप लेना चाहते हैं उस बैंक से कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको मिल जाता है। तो दोस्तों हमने तो टोटल डिटेल्स में बता दिया, तो क्या है, क्या कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय बाय गाइस।